चांद वाले अंकल ने भी यहाँ पर किसी अजीब सी परछाई को घूमते हुए देखा। और मेरे मामले में हाँ? मुझे पूरा यकीन है वो जरूर एक यूएफओ था। ये शायद एलियन का बंगला हो सकता है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम लोग ज्यादा ही टीवी देखते हो। तुम हम पर शक कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है एलियन जैसी कोई चीज नहीं होती। तुमने उसे देखा नहीं इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। ठीक है एक काम करते हैं, अगर वहाँ एलियन हुए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। अगर एलियन नहीं हुए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ये तेरा। ठीक है मुझे यकीन है मैं ही जीतूंगा। जरा रुको नोबिता। क्या ये उस घर से उड़कर आया है? अरे ये क्या है? ये शायद एलियन की सीक्रेट बाजा हो सकती है। तुमने ऐसा वादा ही क्यों किया नोबिता? मुझे मत रोको, मुझे खुद पर यकीन है, मुझे बस उस घर की तलाशी लेनी है। ऐसा करने पर सब सच पता लग जाएगा। सुनो ना डोरेमोन। डोरेमोन इस वक्त मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो? शांत रहो नोबिता। ये कैसी तस्वीर है? ये तस्वीरें मुझे नाव वालों ने भेजी है। इसका मतलब यहाँ एक भी चूहा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। ये क्या है? बिना आदमी वाला सच रोबोट। इसे वहाँ भेज सकते हैं जहाँ तुम नहीं जा सकते, और वहाँ की तस्वीरें भी ले सकते हैं नोबिता। पहले ये गैजेट सिर्फ अंतरिक्ष में इस्तेमाल होता था, लेकिन मुझे नाव पर चूहे देख रहे थे इसलिए निकाला। अच्छा तो इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो नोबिता। कुछ भी करके जीतना ही होगा सुनियो। तुम अभी से बाहर जा रहे हो? फिक्र मत कीजिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ। क्या तुम दोनों बीटल्स पकड़ने जा रहे हो? ऐसा ही समझ लीजिए है ना? क्या तुमने उस कोड को सॉल्व कर लिया? शायद चीजों को थोड़ा घुमा फिरा दिया है। तुम उन नंबर्स को लेटर्स में बदल कर देख लो। समझ गया। इस तरह पहले क्या है? यहाँ तो दो और एक लिखा है। माँ तीन और चार र, एक और दो स, मार्स। मेरा यकीन सच हो गया, वो घर सच में मार्स से आए एलियन का घर है। अरे हम कब पहुँचेंगे? मुझे बहुत मच्छर काट रहे हैं। क्या तुम्हें मच्छर काट रहे हैं डोरेमोन? मैं इंसानों की तरह हूँ इसलिए मुझे भी मच्छर काटते हैं, समझे?
वो देखो वहाँ है। ये कितना डरावना घर है, लेकिन मुझे नहीं लगता नोबिता कि यहाँ कोई एलियन रहता होगा। है ना, मैं यहाँ की तस्वीरें लूंगा और सुनियो और जियान को सबूत भी दिखाऊंगा। नहीं रुक जाओ, मुझे लगता है अच्छा होगा अगर तुम घर के आसपास नहीं जाओ। अरे फिक्र मत करो डोरेमोन। हाँ, सबूत के तौर पर सिर्फ वो कोड काफी नहीं होगा। सुनियो, मैं अपने हाथों से उस एलियन को पकड़ूंगा। अगर उसने हमें खा लिया तो फिर? चुप रहो, इससे अच्छा हम नोबिता से हार जाएं। सच में? वो वाली खिड़की खुली है। ठीक है, यहाँ से अंदर चलते हैं। लगता है हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए हैं। तस्वीर खींचना शुरू करते हैं। तस्वीरें? मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ अजीब है, सब कुछ ठीक ही है, कोई एलियन नहीं है। हाँ सही कहो। क्या तुम्हें नीचे का फ्लोर भी चेक करना है? हम नीचे वाले फ्लोर पहुंच गए। तस्वीरें लेना शुरू करो। अब मैं जियान और सुनियो को हैरान कर सकता हूँ। अभी यहाँ से कोई बहुत तेज भाग कर गया शायद। चलो चलते हैं। चलो। कुछ दिखा तुम्हें? लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। तो चलो अंदर चलते हैं। अगर अचानक एलियंस आ गए तो क्या करेंगे हम? तुम्हारे पास टॉर्च है? हाँ वो तो है। अरे ये तो बस एक पुतला है सुनियो। सच में? ओ यहाँ एक UFO है, वो भी नकली। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। मैंने वो सर्च रोबोट वहीं छोड़ दिया। तुम वहीं पर छोड़ा है डोरेमोन? एलियन का घर, ये मजेदार था। लेकिन मेरी कंपनी एक बहुत खास प्रोग्राम कर रही है। मेरे खास प्रोग्राम में से खास प्रोग्राम है CG, लेकिन हमें कभी कभी उसमें खास तरह की शूटिंग करनी होती है, इसीलिए कभी कभी मुझे उस प्रोग्राम के लिए कुछ खिलौने उड़ाने पड़ते हैं, या फिर कभी कभी उस प्रोग्राम के लिए मुझे खुद कार्टून के कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये बताइए क्या आपने कोई कोड भी लिखा था अंकल? अरे ये तो बेसबॉल का स्कोर है, तुमसे किसने कह दिया कि ये कोड है? मतलब मार्स पर से इत्तेफाक था? अरे नहीं, मुझे भी लग रहा था कि यहाँ जरूर कोई एलियन है। किसी को नहीं पता, लेकिन एलियंस अंतरिक्ष में जरूर कहीं ना कहीं होते हैं। सुनो डोरेमोन, अगर एलियन ने हमें ढूंढ लिया तो क्या होगा? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन वो देखो एलियन आ रहा है। चुप जाओ। उन्होंने हमें ये तो दे दिया है, लेकिन लेकिन ये बहुत भारी है। हम अब नोबिता से हार गए हैं, तो हमें उसकी कोई एक बात माननी ही होगी। हाँ। अच्छा होगा अगर वो दोनों मुझे ना मिले।